शैतान रजीम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम गंधारा इनको बोर्ड पाकिस्तान दी तरफ से ते गंधारा इनको बोर्ड पिशोर दी तरफ से मैं तमाम मेहमान गरामी नाल दिल दी अथाह गिराइयां नाल खैर नाल आयो कहना वा ते मैं समझना वा कि अज दी ये तकरीब इस लिहाज नाल भी तारीखी तकरीब है कि खैबर पख्तूनख्वा की तारीख कुछ 68 साल बाद गंधारा इनको अकेडमी हिंदको अकेडमी पहली बारी कायम हुई है। तीसरी इनको आलमी कॉन्फ्रेंस मुनक्कद करने से पहले असी सोचने पे हाँ कि कॉन्फ्रेंस असी उसी हालत मुनक्कद करिए इतने ताने दो आलमी कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की थी। आलमी कॉन्फ्रेंस मुनक्कद करने का सिर्फ गर्ज गायत यही कि इस खित्ते दे हिंद को बोलने वाले नु भी अहमियत का एहसास दिलाने की कोशिश सने करने पे। सने सोचा कि असी इस कॉन्फ्रेंस में उस हाल से करिए जिते 2005 सने पहली कॉन्फ्रेंस की आई जो तो साढ़े मरहूम चेयरमैन डॉक्टर जूर अहमद अवान की ख्वाहिश आई कि हिंद को जुबान अदब तो सकाफत की तरक्की वास्ते जरूरी है कि असी इस कॉन्फ्रेंस का पेडेस्टल आलमी करार देिए। साढ़े दरमियान डॉक्टर अमजद हुसैन साहब भी तशरीफ रखते हैं जी पहली इनको कॉन्फ्रेंस तशरीफ लियाए। साढ़े दरमियान अमरीका से वो भी तशरीफ लियान। सने सोचा कि इस कॉन्फ्रेंस में इस खातर भी अकेडमी मुनक्कद करिए कि साड़ी इस किताब हिंद को ग्रामर जड़ी साड़ी किताब है इस नू एक तुर्क साढ़े पिरान है डॉक्टर रहील तोकार ने अपनी हिंद को मोहब्बत अपनी पाकिस्तानी मोहब्बत दे बदौलत इस किताब नू लिखा मुरतब किया। तो इलाही बख्श अख्तर रवान साहब की एसोसीएशन के नाल उन्होंने किताब छापी तो पिछली आलमी कॉन्फ्रेंस के मौके से सने इस किताब नू छाया कर दिता। मेरी ख्वाहिश है कि इस तकरीब नू असी उस अकेडमी दे पहली तकरीब के तौर पर मुनक्कद करिए जड़ी यादगार होवे। मैं दिल दी गहराइयां नाल तमाम हजरात नू खासकर खलील तोकार नू जिहड़े तुर्की से तशरीफ लियाएन डॉक्टर अमजद हुसैन साहब नू जिहड़े अमरीका से तशरीफ लियाएन इसी तरह आफताब इकबाल बानो साहबा जिहड़े कनेडा नू रिप्रजेंट पे कर दियां। मैं दिल दी गहराई नाल सब दा सब मंदुबीन दा जिहड़े पाकिस्तान के मुख्तलिफ खित्तियां से तशरीफ लियाएन दिल दी अता गहराइयां नाल शुक्रगुजार हाँ। मैं अपनी भैन अपनी मुहतरमा भैन अनीसा जेबतार खली साहब का भाई इंतहाई ममनू हाँ इंतहाई ममनू हाँ कि वह साड़ी इस तीसरी इनको कॉलमी कॉन्फ्रेंस के मौके से इफ्तताही सैशन के बतौरे चीफ गैस तशरीफ लियाइन। मैं हूँ गुजारिश करना वा मुहतरमा अनीसा जेबतार खली साहबा साहब असी को तशरीफ लिया स्टेज पर तशरीफ लिया थोड़ी त्याली तालियां की गूंज। मैं गुजारिश करना वा डॉक्टर सैयद अमजद हुसैन साहब न जोड़े बुनियादी तौर पर सर्जन उन कार्डिक सर्जन उन लेकिन उन्होंने पिशोर की मुहब्बत है कि उन्होंने पिशोर के उत्ते कई किताबा दर्जना किताबा आर्टिकल्स लिखे। मैं उनसे गुजारिश करना डॉक्टर अमजद हुसैन साहब से कि वह तशरीफ लिया स्टेज पर। मैं दिल की गहराई के नाल पूरी मुहब्बत के नाल पूरे खलूस के नाल मुहतरम जनाब हलील तोकार साहब से गुजारिश करना वा कि वह तशरीफ लिया स्टेज पर। साढ़े टाउन वन के नाजम जनाब जैद नदीम साहब जे साढ़े इस निजामत साढ़े इस पिशोर नुमाइंदा नुमाइंदगी करते पे उन्होंने गुजारिश करना कि वह तशरीफ लिया स्टेज पर। मोहतरमा आफताब इकबाल बानो साहब से गुजारिश करना वा कि वह भी स्टेज पर तशरीफ लिया। गंधारा इनको बोर्ड के सीनियर वाइस चेयरमैन डॉक्टर अदनान गुल साहब से मैं गुजारिश करना हूँ कि वो भी स्टेज पर तशरीफ लियाओ। मोहतरम डॉक्टर अदनान गुल साहब साड़ी गंधारा इनको बोर्ड दे ते गंधारा इनको अकेडमी दे रूहे रवा हूँ उनसे गुजारिश। तकरीब का बाकायदा आगाज अल्लाह ताला दे पाक नाम नाल करने आ। मैं गुजारिश करना वा गंधारा इनको बोर्ड के एग्जीक्यूटिव मैंबर वसीम शाहिद साहब से कि वह तशरीफ लियाओन ते अल्लाह ताला दे पाक कलाम नाल इस तकरीब का आगाज करूं। जनाब वसीम शाह साहब मोहतरमा अनीसा जेब साहबा साढ़े दरमियान मौजूद हैं इन्होंने इतहाई कमिटमेंट इन्होंने दी तकरीब उच इन्होंने मैंने कहा मैं थोड़ी देर से बुलासो क्योंकि इन्होंने उसके बाद एक कमिटमेंट हो गई तो इन्होंने तरफ मैं किया गया है
कि तुम उन्होंने बुलाओ। तो इस खातर असी जी बाकी प्रोग्राम की लवाजमात उन्होंने असी थोड़ी देर से मुआखर कर सी। मैं हूँ डॉक्टर गंदारन को बोर्ड दे सीनियर वाइस चेयरमैन गंदारन को बोर्ड दे रूए रहा। तो इस गंदारन को बोर्ड को अगे ले जाने वास्ते जरा एक सरमाए की जरूरत होंगी है। हुकूमत ने बहुत देर की है सरमाया देने, लेकिन डॉक्टर नांगुल ने सरमाया देने देर नहीं की है। तो इसी खातर जिस तरह जिसम बरकरार रखने वास्ते खून की गर्दिश जरूरी होंगी है, इसी तरह पैसे की जरूरत इदारे नू तंजीम नू किसी भी मूवमेंट नू चलाने से जरूरी होंगी है। तो वो फ्यूल वो एनर्जी डॉक्टर नांगुल साहब ने अपने जाती पैसों की सूरत अदा की है। पैसों ने मैं जिक्र नहीं करना कितने पैसे देते हैं, ये राज ही रहे तो अच्छी गल है। मैं डॉक्टर नांगुल साहब से गुजारिश करना वा कि वो सब मेहमानों को बाकायदा तरीके से खुश आमदेद कहूँ इस तकरीब। मोहतरम डॉक्टर नांगुल, जनाब डॉक्टर नांगुल साहब तुहाडे से मुखातब है। हूँ इस तकरीब की जी कक्ष से बुनियाद हो असी चाहते हैं कि इसी बाकायदा एक किताब इनको ग्रामर ना सिर्फ पाकिस्तान कंदारा इनको बोर्ड ने छापी है, बल्कि ये किताब अमरीका भी छपी है। डॉक्टर हिलाल तुकीर की इंग्लिश ग्रामर इनको ग्रामर जी किताब है ये अमरीका भी छपी है। तो असी हूँ इस तकरीब की बाकायदा रस्में खिताब करने हैं। तो असी मैं गुजारिश करना स्टेज पर बैठे तमाम हजरात को कि वो तशरीफ लाने तो इसी तकरीब रनमाई बाकायदा इसकी अदा करूँ इस किताब इनको ग्रामर।